सुजैन साथियों का फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। वीडियो को जरा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आज इस बताने वाले हैं। जरा सा भी स्किप करोगे तो मेरे दोस्त बहुत ज्यादा वीडियो में चीजें मिस कर दोगे, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा और जो भी इस वीडियो को मिस करेंगे उन सब की लंका लग सकती है। तो मेरे दोस्त देखते हैं क्या होता है। निफ्टी बैंक का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, आप देख सकते हैं। वैसे मैं इंट्राडे बेसिस पे जब भी एनालिसिस करता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने 2 दिन पहले आप सभी के सामने डिस्कस किया हुआ था, बट यहां पे मैं लेटेस्ट अपडेट के साथ प्रोवाइड कराने का प्रयास करा रहा हूं आप सभी को कि मंडे वाले ट्रेडिंग सेशन में यानी कि कल क्या हो सकता है, मार्केट क्या सबकी लंका लगा के जाएगी या फिर कुछ लोगों को प्रॉफिट भी देगी। तो यहां पे आप सभी को समझना है मेरे दोस्त, एक ट्रेंड में यहां पे बैंक निफ्टी चल रही है और वो है चैनल ट्रेंड। चैनल ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन की कंफर्मेशन भी लेके हम जो है नीचे पी साइड में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगी हम कोई पुट साइड की एंट्री बनाएंगे तो हमेशा रिस्की रहेगी, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है। क्योंकि चैनल के ऊपर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक मार्केट है तब तक ये कभी भी जो है 44,600 यानी 44,600 और 44,800 के आसपास जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, डाउन साइड की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, यानी कि 44,350 का लेवल ब्रेक होता है डाउन साइड में, तो हम वेट करेंगे इसकी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग करने की नीचे की साइड में। ये आप सभी लोग फिर से मैं बता रहा हूँ कि ड्रा कर लीजिएगा, इन दो पॉइंट्स को कनेक्ट करके एक चैनल क्रिएट कर लीजिएगा, चैनल डाउन ब्रेकडाउन होने का वेट कीजिएगा। ब्रेकडाउन कोई कैंडल करती है 5 मिनट या 15 मिनट की, उसके बाद रीटेस्ट करके फिर से जब जो ब्रेकआउट वाली कैंडल का लो ब्रेक करेगी डाउन साइड में, लो ही ब्रेक करेगी, तब हम ये मानेंगे कि मार्केट जो है यहाँ से बियरिस हो सकता है। यानी कि अगर मुझे डाउन साइड के इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल की अगर हम बात करें तो मुझे कहाँ पे देखने को मिलेंगे, वो यहीं पे मिलेंगे 44,200 के आसपास में। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर देता हूँ 44,200 के आसपास में, आप सभी लोग भी ड्रा कर लीजिएगा इन चीज़ों को। देखिए अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है पहले से ही 44,200 के आसपास में गैप डाउन दिखती है तो हम यहाँ पे वेट करेंगे इसके ब्रेक डाउन होने का, अदरवाइज इसके आसपास में ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है तो फिर हम से इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन होने का वेट करेंगे, तब हम कोई पुट साइड की एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज पहले ही हमारी लंका लग सकती है। ठीक है, 44,200 के नीचे अगर मार्केट इनकेस आती है तो सिंपल सी चीज़ है, अच्छे टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं, और वो कौन से हो सकते हैं, वो 44,000 के हो सकते हैं और नीचे की साइड में 43,850 और 43,750, इस तरीके से डाउन साइड के मुझे टारगेट देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे बेसिस पे। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है वो यही कह रहा है। यहाँ पे मैं लेवल्स भी इस तरीके से ड्रा करने का थोड़ा सा प्रयास किया हूँ, आप भी अपने चार्ट पे ड्रा कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ नोट कर ली होंगी, ये इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी लोग। अब चलते हैं थोड़ा सा निफ्टी 50 के बारे में बात कर लेते हैं। मिड कैप की वीडियो बना दी है आप सभी लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर भी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा करी हुई थी और ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट भी दी है, तो यहाँ से हो सकता है मार्केट जो है बियरिश हो। अगर फ्लैट होती है इस ट्रेंड लाइन के आसपास आती है तो हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ पुट साइड में एंटर करेंगे, अगर इसके ऊपर जाती है तो थोड़ा सा कॉल साइड में 19,710 के आसपास का रेजिस्टेंस मान के एंटर कर सकते हैं, बट कॉल साइड में जाना थोड़ा सा रिस्की होगा, पुट साइड में अगर हम बनते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि प्रॉफिटेबल रहें। ठीक है, बात कर लेते हैं अगर डाउन आती है तो कहाँ तक आएगी और कैसे क्या लेवल्स हो सकते हैं, इन चीज़ को भी आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। फिब रिट्रेसमेंट लगाते हैं इसके लो से इसके हाई पर, दो चीज़ें यहाँ पे हम ड्रा करने का प्रयास करते हैं, एक तो 38% का लेवल ड्रा करते हैं और दूसरा हम 61% का लेवल ड्रा करते हैं और तीसरा ड्रा करते हैं 78% का। कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ पे आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक मुझे टारगेट दिख सकता है 19,547 का और इसके नीचे 19,465 का और इसके नीचे 19,400 के, ये सपोर्ट मिलेंगे। इन टारगेट्स के साथ में हम बने रख सकते हैं। इंट्राडे बेसिस की बात करें तो हमें अगर 50-60 पॉइंट के 70 पॉइंट्स के टारगेट मिलते जाते हैं तो हम प्रॉफिट बुकिंग करते जाते हैं। इन चीज़ों को भी आप सभी लोग समझ के चलिएगा, ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि मार्केट का तीसरा टारगेट ये 19,400 है तो आपने 650 पे एंट्री करी 19,650 पे तो आप जो है
टोटल 150 पॉइंट का टारगेट जब आपको मिल जाए 250 पॉइंट का, तभी आप एग्जिट करें, अदरवाइज बैठे रहें। ऐसा नहीं, अगर 100 पॉइंट भी मिल जाता है तो मुझे यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि ROI यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखना होता है, ये सारी चीज़ें आप सभी को देखनी होती है, स्ट्राइक प्राइस भी देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप सभी लोग रैंडम कोई भी ट्रेड में एंटर कर जाएं। तब जब तक अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं मेरे दोस्त, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो सिंपल आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से बने रहना कम से कम 2-3 महीने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ मेरे दोस्त। किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूँ और ना ही किसी को कोई पैसा देना। जितने भी बिगनर्स हैं उनको बता दूँ, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करके। अदरवाइज ऐसे सर्च करके जाओगे तो बहुत सारे फेक चैनल मिल जाएंगे मेरे नाम से। प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल लाइव सेशन में भी मिलेंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। लाइव सेशन में बातचीत करते हुए हम यहाँ पे लाइव टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय, ऑल ऑफ यू।